रावण को लंकेश के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में बहुत उत्साह के साथ दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, जहां भगवान राम की पूजा की जाती है। लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहां लोग रावण की पूजा करते हैं और उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां पहली जगह आती है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। इस जगह को रावण की पत्नी मंदोदरी का मूल निवास माना जाता है, इसीलिए इस जगह का नाम मंदसौर पड़ा। यहाँ 10 सर वाले रावण की विशाल मूर्ति है और लोग यहाँ पर रावण की पूजा करते हैं। यहाँ के मंदिर को रावण रुंडी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा मंदिर में 10 सर वाले दानव राजा की विशाल प्रतिमा है। यहाँ शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और यहाँ पर लोग रावण की पूजा करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बिस्तरक गाँव को रावण का जन्म स्थान माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि गांव का नाम रावण के पिता के नाम विश्रवा से पड़ा है और इस वजह से आज के दिन रावण की आत्मा की शांति के लिए लोग यज्ञ करते हैं। वही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रावण दहन नहीं किया जाता। मान्यताओं के मुताबिक कांगड़ा के बैजनाथ में रावण ने अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव को खुश किया था और इस वजह से यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। वही कर्नाटक के कोलार में आज के दिन भगवान शिव की भक्ति के कारण रावण की पूजा की जाती है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में कहा जाता है कि मौदगिल ब्राह्मण रावण की मंदोदरी के साथ विवाह के दौरान यहां आए थे। शादी मंडोर में एक वेदी पर हुई, जिसे रावण किंचवारी के नाम से भी जाना जाता है। रावण के पुतले जलाकर दशहरा का त्योहार यहां मनाने के बजाय ब्राह्मण रीति रिवाजों के अनुसार लंका राजा के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।